नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट की। इस कोर्स का कोड है CVDMM/DVDMM101। कोर्स का नाम है डिजिटल इकोसिस्टम एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पार्ट 1। आज की हमारे लेक्चर का नाम है सोशल मीडिया पास्ट एंड प्रेजेंट, लेक्चर 5। बात करते हैं आज के एजेंडा की। आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सोशल मीडिया पास्ट और प्रेजेंट, इसका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया, ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन बिजनेस और कुछ मुख्य बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सोशल मीडिया इज एन इंटरनेट बेस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप सब जानते हैं। इंटरनेट के रूप में या इंटरनेट बेस्ड एक तरीका है जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू हैव कन्वर्सेशन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट वेब कंटेंट। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूजर्स को क्या अलाउ करते हैं? एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन साझा कर सकें और कुछ वेब कंटेंट क्रिएट कर सकें। वेब कंटेंट से आशय है टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज, ऑडियो, व्हाटएवर। सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स वेयर कंटेंट इज क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड बाई इंडिविजुअल्स ऑन द वेब। सोशल मीडिया एक ऐसा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और अपनी बातचीत एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत ही वाइडर टर्म है, एक बज वर्ड है आज के समय में। बेसिकली सोशल मीडिया से आशय किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। कुछ नाम हमने यहाँ पर लेने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें हैं सोशल मीडिया की जिनको हम सोशल मीडिया के रूप में जानते हैं, सच एज ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, विकीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फोटो शेयरिंग साइट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो शेयरिंग साइट्स, पॉडकास्ट्स, विजिट्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड मैनी मोर। और बहुत सारे, कई सारे नाम हमने लिए और बहुत सारी चीज़ें। इन सब को एक संक्षिप्त रूप में एक नाम से जब हम जानते हैं तो हम उसको सोशल मीडिया कहते हैं। एट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल मीडिया अलाउज यू टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ योर ऑडियंस, गेन कस्टमर फीडबैक एंड एलिवेट योर ब्रांड। जो सोशल मीडिया का रोल है डिजिटल मार्केटिंग में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डिजिटल युग में, आज के ग्लोबल युग में जो सोशल मीडिया का योगदान है बिजनेस के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वो बहुत खास है। क्यों खास है? उसमें आप अपने कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर का अटेंशन भी गेन कर सकते हैं और साथ ही कस्टमर से फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। एज पर द कस्टमर्स फीडबैक यू मे रीडिफाइन योर स्ट्रेटेजी। ये बहुत की रोल है सोशल मीडिया का आज के बिजनेस वर्ल्ड में। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया आर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। हमने सोशल मीडिया के बहुत सारे फॉर्म्स आपके साथ गिनाए, उसमें जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, आपको क्या सुविधाएं देती हैं, इस पे बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स अलाउज यूजर्स टू बिल्ड वेब पेजेस, टू कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स, देयर कलीग्स एंड अदर यूजर्स इन ऑर्डर टू शेयर मीडिया कंटेंट। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो अपने यूजर्स को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं? आप अपना वेब पेज बना सकते हैं, उस वेब पेज के माध्यम से आप अपना प्रोफाइल इत्यादि तैयार कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने
जो कंटेंट है उसको साझा कर सकते हैं और साथ ही लोगों का अटेंशन गेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खास बात है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू प्रमोट देयर वेबसाइट्स, पॉडकास्ट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं, हम ऑडियो के माध्यम से जिसको हम पॉडकास्ट भी कहते हैं, हम इमेजेस के माध्यम से अपनी चीज़ों को एम्पावर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ये तमाम सारे माध्यम हैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से। इस सीरीज़ के अगली कड़ी में जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से पर बात करेंगे। इस व्याख्यान को देखने समझने के बाद जो हमारे लर्नर हैं उनको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बेसिक्स के बारे में वो समझ पाएंगे, उसका हिस्ट्री कैसा रहा ये जान पाएंगे, सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है आज के समय में बेसिकली मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में वो जान पाएंगे, टू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो ऑफ सोशल मीडिया, आज के समय में जो सोशल मीडिया का सिनेरियो है उसको समझ पाएंगे, और साथ ही ये भी समझने में सक्षम होंगे जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है बिजनेस पर वो किस तरीके से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का एक संक्षिप्त इतिहास हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, किस किस तरीके से सोशल मीडिया आगे बढ़ा है जो आज इतना एम्पावर हो चुका है जो कि वर्ल्ड बिजनेस को प्रभावित करता है। किसी कंट्री की बात नहीं करें, ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो को जो प्रभावित करता है, उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल बिजनेस पर है, उसकी जो जो डेवलपमेंट फेज रहे कैसे कैसे करके आगे बढ़ा, कुछ हमने चीज़ें आपके लिए निकाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 1978 द फर्स्ट सोशल मीडिया बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, जिसको बोलचाल में हम BBS कहते हैं, वॉज क्रिएटेड टू अनाउंस मीटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाई पोस्टिंग इट ऑन BBS। सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है, जो भी जो हमें इससे रिलेटेड जो कंटेंट प्राप्त हुआ है 1978 के आसपास से, जिसको हम नाम देते हैं बुलेटिन बोर्ड सिस्टम BBS, जिसपे मीटिंग्स इत्यादि के लिए जो है लोगों को जो मैसेज भेजा जाता जाता था, शेयर किया जाता था, पोस्ट किया जा सकता था, किस पर? बुलेटिन बोर्ड सिस्टम पर। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी, यहाँ से वर्चुअल कम्युनिटी की शुरुआत भी ऐसा माना जाता है। इन द ईयर 1995 द पर्सनल वेबसाइट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, ऐसा माना जाता है कि सन 1995 के आसपास से पर्सनल वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट जो है आया, क्योंकि उस दौरान आफ्टर 90s के बाद इंटरनेट का भारत में भी काफ़ी इस्तेमाल होने लगा, तो पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेट जब होने लगी तब जो है लोगों को लगा कि हम पर्सनल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, जिसको हम पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वेब होस्टिंग सर्विस लॉन्च्ड बाय वेवरली हिल्स इंटरनेट, एक नया जो समय आया जहाँ पर BHI वेवरली हिल्स इंटरनेट ने वेब होस्टिंग की जो है सुविधा प्रदान करना शुरू किया, किसके लिए? इंटरनेट यूजर्स के लिए, ताकि अपने वेब पेजेस को या अपने वेबसाइट्स को वो होस्ट कर सकें। ये भी एक की पॉइंट माना जाता है इस रेस में। सोशल मीडिया सर्विस दैट अपियर्ड इन 1997 वॉज 6degree.com, एक सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम हम आपको बता रहे हैं 6degree.com, आप कभी जाके इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसने उस दौर में सबसे जल्दी 1 मिलियन यूजर क्रिएट किए, 1 मिलियन यूजर्स के प्रोफाइल क्रिएट किए कह सकते हैं, तो उस दौरान ये बड़ी उपलब्धि मानी गई जहाँ पर वर्चुअल कम्युनिटी की बात हो रही है। इसी तरीके से इन द ईयर 1990s द ब्लॉग्स एंड लाइव जर्नल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, लाइव जर्नल्स और ब्लॉग्स का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया, जहाँ पर लोग ब्लॉग लिख सकते थे, उसको शेयर कर सकते थे, लोग उसको पढ़ सकते थे, और फ्रेंड्स के बीच में इस तरह की बातें होने लगी कि हम भी ब्लॉग लिखेंगे, हम भी लाइव जर्नल्स लिखेंगे, ताकि लोगों को उन सब चीज़ों को शेयर किया जा सके। फ्रेंड एस्टर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2002, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल नेटवर्किंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वेयर यूजर्स कैन क्रिएट प्रोफाइल
एंड कैन क्रिएट वर्चुअल कनेक्शंस विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. किसी के साथ भी जो भी वर्चुअल कम्युनिटी पे लोग रहते थे, जिनकी डिजिटल उपस्थिति रहती थी, उनके साथ जो है बातचीत किया जा सकता है, उनके प्रोफाइल के साथ कनेक्ट किया जा सकता था. ये कब की बात है? सन 2002 की. नाउ फ्रेंडस्टर हैज़ बिकम अ सोशल मीडिया फॉर गेम्स. इसने अपना जो बिजनेस जो है उसका ट्रेंड चेंज करा, गेम्स के लिए इस्तेमाल होने लगा. इसी तरीके से माई स्पेस, लिंकडिन एंड वर्डप्रेस वर लॉन्च्ड इन द ईयर 2003. ये तीन नाम मैंने बताया जो कि आज भी बहुत पॉपुलर हैं. मोस्ट ऑफ माई स्पेस यूजर्स वर म्यूजिशियन एंड रिलेटेड टू बैंड. जो माई स्पेस के ज़्यादातर यूजर हैं, उसकी जो उपलब्धि है वो म्यूजिशियन ग्रुप से रिलेटेड है. जो वर्डप्रेस है वो एक तरीके का ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने सुना होगा, CMS इसको बोलचाल में कहते हैं. और जो लिंक्डइन है, दैट इज़ बेसिकली लॉन्च्ड एज अ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग. आज भी लिंक्डइन का एक अच्छा खासा मार्केट है जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग की जाती है. इन द ईयर 2004 मार्क जुगरबर्ग लॉन्च्ड फेसबुक. अर्लियर इट वॉज क्रिएटेड एज अ सोशल नेटवर्किंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट. जो फेसबुक आज हम सब लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है, उसका जो प्रादुर्भाव हुआ, जो इतिहास माना जाता है, 2004 के आसपास मार्क जुगरबर्ग ने उसको लॉन्च किया. और तब वो किस चीज़ के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता था? कॉलेज स्टूडेंट के सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता था. यूट्यूब वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005. बहुत पॉपुलर है यूट्यूब आज के समय में फॉर शेयरिंग वीडियोज फ्रीली अमंग द यूजर्स. इन द ईयर 2006 ट्विटर वॉज लॉन्च्ड एज अ सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट. 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य था सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग. ये माइक्रो ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है? माइक्रो ब्लॉगिंग से आशय है जहाँ पर आप अप टू 140 करेक्टर का मैसेज लिख सकते हैं. ट्विटर की भाषा में इसको, इस शॉर्ट मैसेज को ट्वीट कहा जाता है. आपने सुना होगा, कई बार समाचारों में भी ये सुनने को मिलता है, अमुक व्यक्ति ने ट्वीट करके एक जानकारी दी. तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं अप टू 140 करेक्टर्स. इन ईयर 2011 गूगल लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग कॉल्ड गूगल प्लस. गूगल प्लस लेट यू हैव वीडियो चैट, जिसको हम हैंगआउट कहते हैं, आप बहुत सारे लोग यूज करते होंगे इसको, एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर. ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है. इन द ईयर 2012 द फर्स्ट सोशल स्क्रैप बुक केम इन टू एग्जिस्टेंस नेम्ड पिंटरेस्ट, विच गेन्ड फास्टेस्ट 10 मिलियन यूजर्स फ्रॉम इट्स लॉन्च. 2012 में फर्स्ट सोशल स्क्रैप बुक जो है एग्जिस्टेंस में आया, ऐसा माना जाता है, जिसका नाम था पिंटरेस्ट. आज भी काफ़ी पॉपुलर है. जो बेसिकली ये कहा गया है कि उसने सबसे जल्दी 10 मिलियन यूजर जो है कनेक्ट किए, के प्रोफाइल क्रिएट किए. द पिंटरेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म हेल्प यू क्रिएट एंड शेयर एल्बम्स ऑफ फोटोज. बेसिकली फोटो शेयरिंग साइट के रूप में पिंटरेस्ट को माना जाता है. अब बात करेंगे ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया. एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी सोशल मीडिया का, किस तरीके से विकास हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी. अब बात करने जा रहे हैं हम किस पर? ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया. आज के समय में सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रेंड पॉपुलर हैं. और दूसरा एक चीज़ मैं आप अपने प्रेजेंटेशन जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड ऐसा नहीं कि लगातार रहता है. आज है, हो सकता है कल नहीं रहे. जो हमने जो फाइंड आउट किया है, जो हमारा रिसर्च है, जो हम कह सकते हैं कि हम, हमारी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बात करना चाह रहे हैं कि आज क्या क्या चीज़ें टॉप ट्रेंड्स के रूप में सोशल मीडिया पे चल रही हैं. हो सकता है कुछ समय बाद ये बदल जाए, कुछ और उसके जगह पर आ जाए. एक हम बात कर रहे हैं जो इंफिरल कंटेंट है, अर्थात ऐसा कंटेंट जो कुछ समय के लिए आपको दिखता है, वो कुछ समय में, कुछ सेकंड हो सकते हैं, या एक घंटा हो सकता है, दो घंटा हो सकता है, मे बी 24 आवर्स, और उसके बाद ये कंटेंट गायब हो जाता है. इसका क्या फ़ायदा है? ये आपके जो विजिटर्स हैं या जो उसको देखने वाले हैं, जो उसके दर्शक हैं, उनके दिमाग पर एक छवि स्थापित कर देता है. आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट हैज़ गॉन, ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये अपना काम कर जाएगा. दिस इज कॉल्ड समहाउ काइंड ऑफ वायरल. इससे अगर कंपनी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, कंपनी ने इस तरह का कंटेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है, तो कंपनी कम समय में एक अच्छा खासा गेन कर सकती है.
ये एक टॉप जो है ट्रेंड में शामिल है आज के समय में। अगला हम बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पावरफुल चीज़ है। लाइव स्ट्रीमिंग से आप ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च की जानकारी दे सकते हैं। ये एक टॉप कंटेंट या टॉप टॉप ट्रेंड कह सकते हैं सोशल मीडिया में लगातार बनता जा रहा है। हम अगला बात करेंगे चैटबॉट कन्वर्सेशन। चैटबॉट हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी एक जगह बात की थी, अगर आपने हमारे लेक्चर सीरीज से देखे होंगे। चैटबॉट इज दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। चैटबॉट्स आर टॉकिंग ओवर द वेब। फेसबुक मैसेंजर रिसेंटली अनाउंस्ड दैट देयर आर नाउ मोर देन 30,000 एक्टिव चैटबॉट्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग प्रोडक्ट गाइडेंस एंड टेकिंग ऑर्डर्स। ये फेसबुक का दावा है कि उसके पास 30,000 से ज़्यादा एक्टिव चैटबॉट्स एक साथ काम कर रहे हैं, जो क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और लोगों से ऑर्डर भी ले सकते हैं। चैटबॉट की खूबी यह है कि ये बिना थके बिना रुके कंटिन्यूसली सेम एफिशिएंसी के साथ, हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ कंटिन्यूस काम कर सकते हैं 24/7, जो कि ह्यूमन कभी नहीं कर सकता। द की कस्टमर सपोर्ट जो ह्यूमन से हमें मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट आपको चैटबॉट से मिल सकता है। तो ये बिजनेस के लिए एक खास बात है जो कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी शामिल है। अगला बात करेंगे द राइज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको हम AR कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में एक अच्छी खासी चर्चा की थी कि आज के समय में जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो बिजनेस में एक बड़ा योगदान दे रही है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपके साथ दो चीज़ें हमने नाम ले रखे हैं। एक है Apple's iPhone 8 और Apple's iPhone X। ये जो दो प्रोडक्ट हम नाम ले रहे हैं, ये इक्विप्ड हैं AR के साथ, अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर इन सब में शामिल है। ऑगमेंटेड रियलिटी पर हमने पिछले लेक्चर पर आपकी चर्चा की थी, बिल्कुल रियल सिनेरियो जैसा, जो आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट को फील एंड टच करने का, वो ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल ग्लास, स्नैपचैट लेंस स्टूडियो मेक इट इजियर देन एवर द टू ऑगमेंटेड योर रियलिटी। तो और भी प्लेटफॉर्म्स के हमने नाम लिए, जो रेदर देन आईफोन हमने बात कही, वो प्लेटफॉर्म्स भी आपको ऑगमेंटेड रियलिटी की जो है सुविधा दे रहे हैं। तो दूसरा हम बात करेंगे टॉप सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर और क्या चल रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक बड़ी खास चीज़ है। एक्सपेरिमेंटेशन तो सोशल नेटवर्किंग पर, सोशल मीडिया पर लगातार चलते रहते हैं और टॉप ट्रेंड्स में एक्सपेरिमेंटेशन शामिल है, जिसमें हम कह सकते हैं शॉपेबल ब्लॉग्स हैं, ट्विटर्स इंक्रीज्ड यू नो कैरेक्टर सेट है, फेसबुक एल्गोरिदम अपडेट्स हैं, लिंक्डइन नेटिव वीडियो चैट्स हैं। ये तमाम सारे जो हमने बात करी, ये ईयर 2018 या उसके बाद के ट्रेंड्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन भी हमने एक नाम लिया है। साथ ही हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया का जो बिजनेस पर इम्पैक्ट है वो कैसा है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। The advances in technology always changes a business perspective. ये हमेशा से रहा है, जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है वो अपना प्रभाव सबसे पहले बिजनेस perspective में दिखाता है। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो उन इम्पैक्ट्स को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लीड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये भी यही बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, जो बेहतरीन चीज़ें हैं, हम सबको उनको स्वीकार करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, उनसे लाभ उठाना चाहिए। टूडेज मार्केट लीडर्स आर हार्नेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू शार्पन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड ट्राइंग टू रीच टू द मोर एंड मोर कस्टमर्स। ये हमेशा से रहा है, जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है वो हमारे लीडर्स लेते हैं और उससे अपने मार्केट को ग्रो करते हैं, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। ये सोशल मीडिया का भी बिजनेस पर इम्पैक्ट दिखाता है। दूसरा, द टूडेज बिजनेस वर्ल्ड मोर रिलाइज ऑन द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी परपजेज। ये बात भी सच है, आज का जो विलेज है, जो जिसको हम ग्लोबल ग्राउंड कहते हैं, इट्स अ ग्लोबल विलेज, आपकी रीचेबिलिटी पूरे वर्ल्ड तक है। तो आज जब आपकी रीचेबिलिटी इतनी बढ़ गई है, तो उसमें जाहिर सी बात है इंटरनेट का एक अहम रोल है। इंटरनेट नहीं होता तो शायद हम इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। तो हम इंटरनेट का कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और स्ट्रेटजीज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज हैव देयर ओन सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमूमन जो टॉप लीडर्स हैं या जो टॉप
बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं उनके आपको अकाउंट्स मिलेंगे। इंडिविजुअल बिजनेस लीडर्स ऑफ कंपनीज ऑल्सो हैव देयर सेपरेट सोशल मीडिया अकाउंट्स। आप ये देखते हैं तमाम सारे जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट इंडिविजुअल भी आपको मिलेंगे, जो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। सच दैट लिंक्डइन पर मिल सकता है, ट्विटर पर मिल सकता है, इंस्टाग्राम पर मिल सकता है, फेसबुक पर मिल सकता है। ये सोशल मीडिया का बिजनेस पर इम्पैक्ट दिखाता है, सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस शो करता है कि सोशल मीडिया बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण बन के रह गया है। न्यू सोशल मीडिया साइट्स आर पॉपिंग अप ऑलमोस्ट एवरी वीक। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया के लगातार जो है राइज हो रहे हैं, आप ये देखते हैं। सोशल मीडिया हैज़ क्रिएटेड अ बिजनेस क्लाइमेट इन विच थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रेशंस कैन बी मेड विथ वन सोशल मीडिया पोस्ट। आप ये देखते हैं किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट से उस पर हज़ारों लोगों के कमेंट्स, व्यूज़, लाइक, शेयर इत्यादि मिलते हैं। ये दिखाता है कि आज हमारा जो बिजनेस क्लाइमेट है वो सोशल मीडिया पर किस कदर जो है एक तरीके से डिपेंडेंट हो गया है, ये कह सकते हैं। ब्लॉग्स प्रोवाइड मार्केटर्स अ रियल टाइम डायलॉग विथ कस्टमर्स। ब्लॉगिंग जो चीज़ है उससे आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को काफ़ी सारी डिटेल जानकारी मिलती है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में। ये भी एक एक मार्केटिंग का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक अहम पहलू है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है विच इज़ यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स सर्विसेज अमंग द यूजर्स, अमंग द क्लाइंट्स और कस्टमर्स। अ ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल विथ रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट। ब्लॉग भी एक तरीके का वेबसाइट ही है कह सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलरली अपने कंटेंट को अपडेट करना है, अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को अपनी नई नई जानकारियों से अवगत कराना है। इसी रूप में और क्या ट्रेंड्स या और क्या इम्पैक्ट सोशल मीडिया का बिजनेस पर है, उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। सोशल मीडिया के कुछ चैलेंजेस भी हैं। बिकॉज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। सोशल मीडिया का जो रूप है वो लगातार ट्रांसफॉर्मिंग है, बदलता रहा है, इट्स नॉट स्टेबल। तो इसके साथ अगर बदलने वाली चीज़ें हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ चैलेंजेस भी होंगे। वो चैलेंजेस क्या हैं हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट गोज वायरल कैन बिकम द कॉज ऑफ क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस। अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होती है उससे एक चलता फिरता बिजनेस बंद भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है, यद्यपि वो पोस्ट सच नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है, कोई वायरल हो जाता है, वीडियो वायरल हो गया, हम लोग सुनते हैं, आपने भी देखा होगा, पता चला बाद में वो गलत था, वो सही नहीं था, लेकिन उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है तब तक काफ़ी हद तक हो चुका होता है। तो अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत वाइजली इन सब चीज़ों को भी देखना है, उसके चैलेंजेस को, उसके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हमें दोनों चीज़ों को 50-50 हमें रखना है। सो अल्टीमेटली वी कैन से द सोशल मीडिया इज़ द न्यूएस्ट आइदर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग पर्पजेज। तो ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बिजनेस पर, ये हम सब जानते हैं। वो इम्पैक्ट कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे अपने परिपेक्ष में ढाल सकें ये भी हमें समझना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी उनका सार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या चीज़ें आज हमने जानी, संक्षिप्त रूप में उनको समराइज कर रहा हूँ मैं आपके सामने। न्यू एंड मोर एडवांस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर क्रिएटिंग एवरी ईयर विथ मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स दैट कैन बी अफोर्ड टू द इंटरनेट यूजर्स। हर साल नए नए फीचर्स के साथ बहुत सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जो यूजर्स के लिए रिच फीचर इनेबल्ड कहे जा सकते हैं। There are so many known and followed social media platforms like Blogger, MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, इत्यादि। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे platforms हैं जिनको हमारे जो है social media users use करते आए हैं। Social media marketing report says more than 65% of businesses are on social media to increase business leads, to increase their sale and services. In 2018, 40.2% of advertisements that the masses had seen were digital. एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% के आसपास जो एड लोगों ने देखे वो डिजिटल फॉर्म में थे।
यूरोपियन एरिया की एक जनरल रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेड इन 2018 विच एम्स टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स इन यूरोपियन एरियाज। तो एक एक जो है रेगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं पास हुआ है यूरोपियन एरिया के लिए, जहाँ पर लोगों की प्राइवेसी और उनके इंडिविजुअल डेटा की रक्षा की जा सकती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना उस रेगुलेशन का एम है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारी चर्चा करी, बिजनेस के लिए उसका योगदान जाना, उसके इम्पैक्ट्स बिजनेस पर जाने, इन सब के साथ साथ प्राइवेसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हम इस लेक्चर में इस तरह के बिंदु को शामिल नहीं कर पाए। हमने आज क्या क्या जाना, हमने जाना कि जो बिजनेस पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, आज सोशल मीडिया का क्या ट्रेंड है, सोशल मीडिया का क्या हिस्ट्री रहा है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये तमाम सारी बातें हमने अपने लर्नर्स के लिए साझा करी। उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपके लिए अच्छा रहा होगा और अगले व्याख्यान में हम अगली कड़ी में नए व्याख्यान के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।